यहाँ पर जैसे वीडियो में हीरो पैशन एक्सटेक और हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं। अभी दोनों मॉडल आपको एक्सटेक वेरिएंट यानी कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ मिल जाती है, तो ऐसे में इन दोनों में से किसको खरीदना चाहिए, क्योंकि दोनों हीरो कंपनी की आती है। अगर आप हीरो कंपनी की कोई बाइक परचेज करने की सोच रहे हैं, वो 110cc में भी हो सकती है, 125cc में भी हो सकती है, तो किसको 110cc में लेना चाहिए, किसको 125cc में लेना चाहिए, ये कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पे इस वीडियो में देने वाले हैं। और इन दोनों बाइक्स में क्या आपको अंतर मिल जाता है, क्या क्या आपको सिमिलरिटीज देखने को मिल जाती है, क्योंकि कुछ चीजें कॉमन चीजें यहाँ पे दी गई है, तो वो सारी जानकारी आपको देने वाले हैं, जिसके बाद आप अपने बजट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन सा खरीदना चाहिए। देखिए, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। यहाँ पे सबसे पहले हम कलर ऑप्शन और डिजाइन से स्टार्ट करते हैं, जिससे कि लुक की वजह से भी आप परचेस कर सकते हैं। अगर आप हीरो पैशन एक्सटेक लेते हैं तो यहाँ पे 3 कलर ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे कैंडी ब्लेजिंग रेड, ब्लैक विद 4 सिल्वर और ब्लैक विद पोल स्टार ब्लू मिल जाता है। तो अगर आप सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक लेंगे तो इसमें भी आपको 3 कलर ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे ग्लॉस ब्लैक, कैंडी ब्लेजिंग रेड और मैट एक्सिस ग्रे मिल जाती है। तो दोनों में आपको 3-3 कलर ऑप्शन मिल जाता है। बाकी जो डिजाइनिंग है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो पैशन प्रो एक्सटेक है इसकी डिजाइनिंग पहले देख सकते हैं, जहाँ पे आपको एच शेप का डीआरएस मिल जाता है इसके हेडलैम्प के पास, छोटी सा आपको हेडलैम्प सेक्शन मिल जाता है। बाकी इसका टर्न इंडिकेटर लाइट देख सकते हैं। साइड व्यू की बात करें तो इसके जो आपको टैंक डिजाइन देख सकते हैं, पैसिंग की बेजिंग मिल जाती है। इसके अलावा एक्सटेक की ग्राफिक्स यहाँ पे दी गई है, लंबी सीट मिल जाती है, पीछे ग्रेवरेल दिया गया है बॉडी कलर का। इसके अलावा यहाँ पे आपको व्हील के ऊपर रिम टेप भी देखने को मिल जाएगी, रियर सस्पेंसर रेड कलर के साथ दिया गया है, ब्लैक एग्जॉस्ट सिस्टम देखने को मिल जाता है। बाकी अगर रियर व्यू की बात करें तो यहाँ पे इसकी टेल लैंप डिजाइनिंग भी स्टाइलिश मिल जाती है, तो कुछ इस तरीके के लुक के साथ पैशन एक्सटेक मिल जाएगी। बाकी सुपर स्प्लेंडर नया मॉडल लेते हैं तो इसका भी हेडलैम्प सेक्शन आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको नया हेडलैम्प सेक्शन मिल जाता है, 2 पार्ट्स में दिया गया है, डीआरएस मिल जाता है, क्रोम के एलिमेंट दिए गए हैं और हेडलैम्प सेक्शन इसका पूरी तरह से पहले से चेंज हो चुका है। बाकी साइड व्यू की बात करें तो टैंक के ऊपर आपको ग्राफिक्स मिल जाती है, सुपर स्प्लेंडर की बैजिंग भी दी गई है और इसके अलावा इसके व्हील पे आपको हल्की सी स्ट्रिप मिलेगी, क्रोम के एग्जॉस्ट कवर देखने को मिल जाएंगे, तो इसका लुक आप साइड देख सकते हैं। बाकी रियर व्यू की बात करें तो यहाँ पे बेसिक सा टेल लैंप मिलेगा, पैशन एक्सटेक की तरह ज्यादा स्टाइलिश टेल लैंप यहाँ पे नहीं दिया गया, तो लुक वाइज आपको जो बेहतर लगे उसको ले सकते हैं। अगर आपको थोड़े से ज्यादा स्पोर्टी सेगमेंट में चाहिए तो पैशन एक्सटेक के साथ जा सकते हैं, बाकी सिंपल लुक अच्छी ग्राफिक्स के साथ चाहिए तो इसे में आप सुपर स्प्लेंडर के साथ जा सकते हैं। बाकी इसके इंजन की अगर बात करें तो पैशन एक्सटेक में आपको 113.2cc का एयर कूल्ड 4-स्टॉक फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाती है, तो ये सुपर स्प्लेंडर में 124.7cc का एयर कूल्ड 4-स्टॉक फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाती है, तो ये लगभग 10cc का आपको बस अंतर देखने को मिलेगा। बाकी जो पैशन एक्सटेक का इंजन है 7500 rpm पर 9.15 PS का पावर, जो कि 5000 rpm पर 9.79 Nm का टॉर्क जेन करता है। तो ये सुपर स्प्लेंडर का जो इंजन है 7500 rpm पर 10.8 PS का पावर, जबकि 6000 rpm पर 10.6 Nm का टॉर्क जेन करता है। इसके अलावा हीरो पैशन एक्सटेक आपको 4-स्पीड गियर बॉक्स के साथ मिलेगी, लेकिन सुपर स्प्लेंडर 5-स्पीड गियर बॉक्स के साथ मिल जाती है। इसके साथ ही दोनों में कीको सेल्फी स्टार्टर भी दिया गया है, तो बेसिकली यहाँ पे 10cc के अंतर होने की वजह से इसके पावर में भी आपको अंतर देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको ज्यादा पावरफुल इंजन वाली बाइक चाहिए तो सुपर स्प्लेंडर के साथ जा सकते हैं। अगर आपका वेट काफी ज्यादा है, काफी वेट के साथ बाइक चलाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप सुपर स्प्लेंडर के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा जो सुपर स्प्लेंडर है ये OBD2 सेंसर के साथ भी आ चुकी है नए मॉडल में, तो लेटेस्ट मॉडल आपको मिल जाता है। बाकी एक्सटेक को कुछ दिनों में अपडेट कर दिया जाएगा, जिसमें आप E20 फ्यूल कैपेबल आपको देखने को मिल जाती है, तो सुपर स्प्लेंडर अपडेट हो चुकी है। बाकी सस्पेंशन सेटअप की अगर बात करें तो हीरो पैशन एक्सटेक के फ्रंट में कन्वेंशनल फॉर्क और रियर में ट्विन शॉक सस्पेंशन दिया गया है, तो सुपर स्प्लेंडर के फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर और रियर में 5-स्टेप एडजस्टेबल टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर सस्पेंशन मिल जाता है। तो दोनों में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, दोनों ही काफी आरामदायक देखने को मिल जाती है, लेकिन सुपर स्प्लेंडर थोड़े से ज्यादा आपको आरामदायक देखने को मिल जाती है। बाकी टायर और ब्रेक्स की बात करें तो हीरो पैशन एक्सटेक के फ्रंट और रियर में 80x100 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है, लेकिन सुपर स्प्लेंडर के फ्रंट में 80x100 का 18 इंच और रियर में 90x90 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है, यानी कि सुपर स्प्लेंडर का जो रियर टायर है थोड़ा सा चौड़ा आपको देखने को मिल जाता है। बाकी ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो हीरो पैशन एक्सटेक के फ्रंट में 240mm का डिस्क ब्रेक और 130mm का ड्रम ब्रेक जो कि ऑप्शन मिल जाता है, रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। सुपर स्प्लेंडर में भी आपको सेम ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, फ्रंट में 240mm का डिस्क ब्रेक और 130mm का ड्रम ब्रेक दिया गया है और रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है। तो टायर साइज में बस थोड़ा सा अंतर मिलेगा, बाकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है दोनों में सिमिलर दिया गया है। फीचर्स की अगर बात करें तो दोनों में आपको IBS यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। हीरो पैशन एक्सटेक में आपको LED हेडलैम्प के साथ HSF का LED डीआरएस देखने को मिल जाता है, सुपर स्प्लेंडर में भी अब LED हेडलैम्प के साथ LED डीआरएस दे दिया गया है। हीरो पैशन एक्सटेक में आपको फ्लूइड स्टार डिस्प्ले मिल जाती है, जिसकी डिजाइनिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ भी आती है, यानी कि ब्लूटूथ के जरिए आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इसमें स्पीड, फ्यूल, ऑडोमीटर ट्रिप, फोन कॉल अलर्ट, कलर आईडी, मिस कलर आईडी, रियल टाइम माइलेज, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये सुपर स्प्लेंडर भी अगर लेते हैं तो ये भी एक्सटेक के साथ आ चुकी है। यहाँ पे इसकी जो डिजाइनिंग है
वो थोड़े से अलग रखी गई है, जैसे कि स्प्लेंडर एचटेक है वैसा यहाँ पे फुली डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है, जो कि ये भी स्मार्टफोन कनेक्टिविटी यानी कि ब्लूटूथ के जरिए इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको स्पीड, फ्यूल, ऑडोमीटर, ट्रिप, रियल टाइम माइलेज, फोन कॉल अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट, ये सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। तो दोनों आपको सेम मीटर कंसोल के साथ मिल जाती है, सेम इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, बाकी जो डिजाइनिंग है वो थोड़ा बहुत अंतर यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोनों में ही साइड सेंसर दिया गया है। हीरो पैशन एक्सटेक में आपको यूएसबी चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है स्मार्टफोन चार्ज करने के लिए, सुपर स्प्लेंडर में भी यूएसबी चार्जिंग सॉकेट दे दिया गया है, दोनों ही आई3एस टेक्नोलॉजी के साथ आती है। पैशन एक्सटेक में आपको लंबी सीट मिल जाती है, पीछे ग्रेवरेल दिया गया है, सुपर स्प्लेंडर में भी आपको लंबी सीट मिल जाती है, पीछे ग्रेवरेल दिया गया है। तो यहाँ पे जो फीचर्स है दोनों में लगभग आपको सिमिलर मिल जाती है, कुछ ऐसा फीचर्स नहीं है कि एक में दिया गया एक में नहीं दिया गया, दोनों में अब सेम फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाती है, तो फीचर्स में आपको अंदर देखने को नहीं मिलेगा, दोनों ही स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ आती है। बाकी अगर माइलेज की बात करें तो हीरो पैशन एक्सटेक है वो आपको 70 तक अप्रॉक्स माइलेज दे देती है, लेकिन अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ एरिया में चलाती हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा कम आपको माइलेज मिलेगा। तो वहीं सुपर स्प्लेंडर है ये भी 68 तक माइलेज दे देती है, ऐसा कंपनी का भी कहना है। बाकी इसको भी अगर भीड़ वाले एरिया में चलाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा कम माइलेज मिलेगी। तो जो माइलेज है दोनों बाइक्स में आपको बस थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 का अंतर देखने को मिल सकता है। बाकी जो टॉप स्पीड है पैशन एक्सटेक के टॉप स्पीड आपको लगभग 95 तक देखने को मिल जाएगी, सुपर स्प्लेंडर की 100 तक देखने को मिल जाती है। बाकी कुछ डायमेंशंस की अगर बात करें तो पैशन एक्सटेक का जो लेंथ है 2036 mm, V739 mm, हाइट 1113 mm, व्हील बेस 1270 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm, सीट हाइट 799 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10 लीटर, इसका जो कर्व वेट है 117 kg है ड्रम ब्रेक बेयरिंग के साथ, 118 kg है डिस्क ब्रेक बेयरिंग के साथ। फिर सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक लेते हैं तो इसका जो लेंथ है 2042 mm, V752 mm, हाइट 1092 mm, व्हील बेस 1267 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm, सीट हाइट 793 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 12 लीटर, इसका जो कर्व वेट है 122 kg ड्रम ब्रेक बेयरिंग के साथ, 123 kg है डिस्क ब्रेक बेयरिंग के साथ। तो यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस है दोनों में आपको सिमिलर मिल जाती है, लेकिन जो सीट हाइट है सुपर स्प्लेंडर की थोड़ी सी कम दी गई है। इसके अलावा फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी आपको ज़्यादा सुपर स्प्लेंडर मिल जाती है, लेकिन हल्की पैशन एक्सटेक आपको मिल जाती है क्योंकि कम सीसी के साथ आती है। लेकिन वही बात आती है, इतने सारे सिमिलैरिटीज़ और इतने सारे अंतर होने के बाद इनकी प्राइसिंग में कितना अंतर आपको मिल जाता है। तो हीरो पैशन एक्सटेक लेते हैं तो एक्सट्रीम दिल्ली प्राइस ड्रम ब्रेक बेयरिंग के साथ 77,358 यानी कि 77,358 तक है, जो कि डिस्क ब्रेक बेयरिंग के साथ एक्सट्रीम प्राइस 81,758 यानी कि 81,758 तक है, जो कि ऑन रोड अगर बात करिए तो ड्रम ब्रेक बेयरिंग के साथ अप्रॉक्स 89,500 यानी कि 89,500 के आसपास मिल जाएगी। तो डिस्क ब्रेक बेयरिंग के साथ 95,400 यानी कि 95,400 के आसपास में आपको देखने को मिल जाती है। तो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक लेते हैं तो ये भी दो वेरिएंट के साथ मिल जाती हैं, जिसका एक्सट्रीम दिल्ली प्राइस ड्रम ब्रेक वेरिएंट के साथ 83,368 यानी कि 83,368 तक है, डिस्क ब्रेक वेरिएंट के साथ एक्सट्रीम प्राइस 87,268 यानी कि 87,268 तक है। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो अप्रॉक्स दिल्ली में ड्रम ब्रेक वेरिएंट 96,700 यानी कि 96,700 के आसपास में मिल जाएगी। तो डिस्क ब्रेक वेरिएंट के साथ 1,700 यानी कि 1,700 के आसपास में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल प्राइसिंग में अगर डिफरेंस देखा जाए तो 5,000-6,000 का बस आपको प्राइसिंग में अंदर देखने को मिल जाता है। 5,000-6,000 तक सस्ती आपको पैशन एक्सटेक मिल जाती है सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक के मुकाबले में। तो यहाँ पे जितने भी डिफरेंस थे मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप अपने 4-5,000 तक बचाना चाहते हैं, अगर आपको ज़्यादा भारी सामान लेकर नहीं जाना है, तो ऐसे में पैशन एक्सटेक आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। अगर आप ज़्यादा स्पोर्टी सेगमेंट में लुक वाइज थोड़े से ज़्यादा स्पोर्टी में जो दिखने वाली बाइक है उसको लेना चाहते हैं तो पैशन एक्सटेक के साथ जा सकते हैं। बाकी अगर आप फैमिली वाले हैं, थोड़े से ज़्यादा लोग उससे बैठ के जाना चाहते हैं या फिर थोड़े से वजनदार लोग चलाना चाहते हैं, तो ऐसे में सुपर स्प्लेंडर आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा दूरी भी तय करते हैं तो सुपर स्प्लेंडर ज़्यादा बेहतर रहेगी क्योंकि ज़्यादा एक कंफर्ट देगी। तो यहाँ पे जितने भी डिफरेंस था और जितने भी सिमिलैरिटीज थी सभी जानकारी मैंने आपको दे दी है। क्या क्या फीचर्स में अंतर मिल जाता है, वैसे फीचर्स में से तो कोई अंतर यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। बाकी जो इंजन है, सस्पेंशन है, इसके अलावा जो टायर साइज है, इसमें आपको अंतर देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपको प्राइसिंग में अंतर देखने को मिल रही है। तो इनमें से कौन सा आपको ज़्यादा बेहतर लगती है, वो लुक वाइज हो या फिर फीचर्स वाइज हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या फिर कौन सा आप यूज़ करते हैं ये भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में फिर इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।